हाँ जी, नाम बताओ आप अपना, अमर सिंह गांव, धारवाड़ा। मोबाइल नंबर बताना अपना। 94 हाँ जी, 592 हाँ जी, 77309। अच्छा जी, सर आपने ये पल का यूज़ किया पिछले साल, हाँ जी, ये कितनी डाली है आपने एक इसमें? 500 ग्राम से 800 ग्राम के बीच में। हाँ जी, एक मिनट, कितनी डाली आपने? 500 ग्राम से 800 ग्राम के बीच में। अच्छा जी, तो किस टाइम पे डाली है आपने? ये डाली थी फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में डाल दी थी पिछले साल आपने, तो आपको क्या दिखा इसका बेनिफिट? और कौन सी खाद आपने यूज़ की थी दूसरी? और कुछ नहीं डाला उसके अलावा। और कुछ नहीं डाला इसके अलावा? नहीं, कुछ आपने कंट्रोल रखा कहीं पे जहाँ पे ना डाली हो? आपको दोनों में क्या, जहाँ पे डाली थी वहाँ पे क्या डिफरेंसेस फील हुए आपको? जहाँ डाली थी वहाँ का जो है ये फसल भी ठीक हुई। हाँ जी, और से भी थोड़ा मजबूती जैसे में आया। अच्छा जी, और जो है इसका जो मिट्टी में इसमें उर्वरक तो कुछ ज़्यादा मिली, यानी कि मिट्टी एक काली बना दी। अच्छा जी, हाँ जी। और बाकी आपका स्प्रे वगैरह का क्या रहा जहाँ पे आपने डाली थी उसमें? स्प्रे तो हमने यानी कि इधर डाली, एक स्प्रे की उसके वो पत्ते थे फिर भी। हाँ जी, तो आपका जो अर्ली लीफ फॉल आता है वो आया आपके इसमें? वो नहीं आया। और साथ वाले बगीचों में आया? साथ वाले बगीचे में आया था। तो आपने क्या स्प्रे की थी उसके अलावा, क्या किया था? मैंने कुछ नहीं, एक बार यानी कि क्या की स्प्रे की थी एक। अच्छा जी, हाँ जी। अच्छा, और सर बाकी आपको इसके तौलिए में क्या डिफरेंस दिखा जहाँ पे आपने डाली थी? में डिफरेंट ये दिखा सर, यानी कि जो भी है ठीक हो गया तौलिया। अच्छा जी, हाँ जी। और उसमें खरपतवार का आपको मिला कंट्रोल? हाँ जी, हाँ जी, खरपतवार कंट्रोल मिला। अच्छा, तो इसमें कितना कंट्रोल मिला आपको? आपका तौलिए का खर्चा बचा कुछ? हाँ जी, तौलिए का खर्चा बचा। तो कितने की है आपने तौलिए जिसमें आपने डाली थी और जिसमें नहीं डाली? 40 तौलिए थी। अच्छा, नहीं, एक पेड़ में कितनी बार किया आपने तौलिया? एक ही बार किया। और जिस जहाँ पे नहीं डाली थी वहाँ दो बार कर दिया। हाँ, दो बार कर चुके हैं आप। और घास में क्या मिला आपको कंट्रोल? घास में कंट्रोल है, कच्चा घास लगता है सारा। अच्छा जी, पक्का घास। अच्छा जी, तो जो ये है जी आपका क्या बोलते हैं, कोई जड़ सड़न की बीमारी थी आपके बगीचे में? हाँ जी थी, वो भी थोड़ी रुक गई है। अच्छा जी, उस उन पेड़ों में क्या डिफरेंस दिखा आपको जहाँ जड़ें सड़ रही थी? वो पेड़ सारे पेड़ कई पेड़ में ऐसे थे जो नीचे उसमें घंटे बनी थी। अच्छा जी, जैसे उसमें डाला वो पौधा बड़ा नाजुक था। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा मजबूत हो चुका है, यानी कि चलने लगा, पैर नहीं चला तो वैसे। अच्छा जी, उसके बाद उसमें कोई ग्रोथ नहीं मारी, उसमें कोई ये नहीं, उसके बाद ग्रोथ मारने लगा जब से वो खाद डाली। अच्छा जी, तब से। और जो खेत है वो सारा ऐसा जैसे पत्थर है। हाँ जी, बड़े बड़े पत्थर वहाँ चारों तरफ। हाँ जी, सिर्फ वो हमने वो सिर्फ सेब के लाके तौली बनाए बस, और चार सौ पत्थर ही पत्थर है। अच्छा जी, हाँ जी, तो उसमें से मिट्टी जो है वो जैसे कुछ लाई गई है और फिर वो ठीक हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी, चलो बढ़िया जी। तो इस साल भी यूज़ करेंगे सर आप इसको? इस बार यूज़। ठीक है जी, मैं आपको यूज़ करने का सही टाइम बताता हूँ सर। एक तो आजकल यूज़ करनी है आपने, ठीक है जी, फिर जब जून जुलाई में, आजकल का डोज है हमारा 800 ग्राम। आपने कितनी डाली थी एक तोली में पिछले साल? हमने डाली थी ऐसी डाली थी 500 से 800 ग्राम, जो छोटे में कम। हाँ जी, जो थोड़े बड़े उसमें ज़्यादा। अच्छा, मैक्सिमम कितनी डाली आपने? मैक्सिमम 600-700 ग्राम। 600-700 आपने डालनी है 800 ग्राम जी। ठीक है जी, 800 ग्राम डालनी अभी। और जैसे आपने बिखेर के डाली थी सारे में? नहीं, दबा के डाली थी। दबाया आपने? लाइन बनाई आपने गोले में? गोले में। अच्छा जी, आपने इस साल कैसे इस्तेमाल करनी है ना, आपने सारे में बिखेरनी, जैसे ये तोलिया दिख रहा है ना जी आपको, जैसा ये तोलिया दिख रहा है सारे में, जैसे गेहूं आप ऐसा करते हैं ना, उस हिसाब से आपने सारे में इस्तेमाल करनी। ठीक है जी, दस्ताने पहनने आपने। ठीक है जी, 800 ग्राम डालनी। ठीक है, उसका उसको थोड़ा थोड़ा मिट्टी से मिला देना। ठीक है जी, फिर जब जून जुलाई में बरसात आ जाती है, आपको लग गया बरसात आ गई, ठहर गई बरसात, है ना, एक दो बारिश नहीं, पक्की बरसात आ गई, है ना जी, फिर आपने डालनी है 200 ग्राम। ठीक है जी, 200 ग्राम डालनी, फिर आपने मिला देनी। ठीक है, आपका तोलिए का फिर दोबारा घास नहीं आएगा आपका। ठीक है, फिर जब आप तोड़ लेते हैं, है ना जी, फसल तोड़ लिया आपने, पत्ते उसके झड़ गए। ठीक है, पत्ते झड़ने के 10-15 दिन के बाद, जब पत्ते झड़े हुए 10-15 दिन हो चुके हैं, फिर आपने डालनी 100 से 150 ग्राम। ठीक है जी, एक बार आप दोबारा बताएंगे अपना नाम? अमर सिंह। गांव का नाम? धारगोरा। धारगोरा, तहसील? रामपुर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। अच्छा जी, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे आप? 94-592-77309। अच्छा जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी करेंगे आप इस्तेमाल इसको? हाँ जी सर। ठीक है, धन्यवाद जी।